सभी के शुभोदय बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको आमले आम लेसन के बारे में मैंने समझाया, सभी को समझ में आ गया बच्चों। ये भी गीत की तरह गाने के लिए कोशिश करो, मैंने बोला ट्राई करो बोले, अंटे मीनू इधर सांग रूप में पाड़ा, क्योंकि आमले आम कविता पाठ है, छोटी सी कविता पाठ है। अध्यापक बात की जाएंगे, आप भी थोड़ा वैसा सुन के आप भी थोड़ा वैसा ही गीत की तरह गाने के लिए ट्राई करना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको गीत की तरह गाया, आपको समझ में आ गया बच्चों। सो मैंने आपको आम ले लो, आम आम के बारे में, आम मारे तो क्या मैंगो ले लो मतलब टेक, ओके। आम आम कई प्रकार के होते हैं, आम कई प्रकार रसाल मंगो बंगीन पल्ली ओके तोतापुरी लंगड़ा आदि सफ़ेद आदि आदि मतलब एक्सेट्रा। सो रसाल महबूबा बंगीन पल्ली तोतापुरी कई प्रकार के होते हैं। आम दो प्रकार के होते हैं, आम दो प्रकार, कच्चे आम पके आम। कच्चे आम से क्या कर सकते हैं, हम चटनी ओके आमचूर अचार चटनी भी बना सकते हैं, ओके ना ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स मैं तो मैंगो पिकल तिंटना कदा। सो कच्चे आम से ये भी हम बना सकते हैं और चटनी आमचूर अचार भी बना सकते हैं, समझ में आ गए बच्चों। पके आम से हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं और रस बना कर पी सकते हैं, अभी मैं जूसेस कूड़ा చేసుకోవచ్చు मैंगोस मैं తినొచ్చు, ఓకేనా समझ में आ गए बच्चों। सो आम दो प्रकार के होते हैं, कच्चे आम पके आम, कच्चे आम पके आम। कच्चे आम से चटनी आमचूर अचार बनाते हैं और पके आम से क्या कर सकते हैं, हम रस बनाकर पी सकते हैं, खा सकते हैं, ओके ना समझ में आ गया बच्चों। सो ये मोरा आपको समझा है, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, एक छोटी सी लड़की, लड़की कैसी है छोटी, लड़की कैसी है छोटी है, क्या देख रही थी लड़की, क्या देख रही थी, क्या देख रही थी लड़की, क्या देख रही थी टोकरी देख रही, टोकरी में क्या है, ऐसी तरह इसी तरह प्रश्न आए तो हम क्या करना है, क्वेश्चन को आंसर लिखना है। तो प्रश्न पूछे तो आपको पद्य पद्य ये पद्य दिए गए हैं, तो दिए गए पद्य से आपको नीचे दिए प्रश्नों देखकर उत्तर लिखना है, पैराग्राफ क्वेश्चन है ये पैटर्न, सीसी मॉडल आधारित आपको पैटर्न में आपको कंपलसरी पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर भी आएगा, पैराग्राफ पोएम ओके पठित पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखे। एक छोटी सी लड़की ऐसा देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में ही पीले पीले नाम इसका आम है, ये पद्य दिए गए तो एक लड़की कैसी कैसी है क्वेश्चन मार्क, लड़की कैसी है छोटी है ओके, लड़की क्या देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है अनार है आम, आम आम कैसे है, आम कैसे है और कौन सी कलर है, पीला कलर है, पीले पीले पीला मतलब येलो कलर है ओके ना ना, दिखने में पीला पीला नाम किसका है, सब कोई भी क्वेश्चन आंसर भी आएगा आपको। चित्र में क्या क्या है, चित्र में हाँ सुनो बोलो प्रश्न उत्तर देख लीजिए, आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के सुनो बोलो प्रश्न आंसर देख लीजिए। चित्र में क्या क्या है, चित्र में एक छोटी सी लड़की, घर दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है और रास्ते में कौन है, वो औरत टोकरी, टोकरी का टोकरी आम फलों का टोकरी ऐसा ऊपर सिर के ऊपर लगा कर ऐसा आ रहा है ओके ना ना, टोकरी माने तो क्या बास्केट है, फलों का टोकरी मीन फ्रूट्स बास्केट ओके ना ना, सर ऐसा लेके आ रहे हैं, छोटी सी लड़की देख रही है, छोटी सी लड़की देख रही है, चन्ना माई फ्रूट्स फ्रूट्स बुट वाइप चूस्तू ओके ना, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, आपको कौन सा फल पसंद है बच्चों, आपको कौन सा फल पसंद है, आम पसंद है क्या, अनार अंगूर कोई भी फल, आपको कौन सा फल पसंद है, तो मुझे आम पसंद है क्योंकि बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है खाने के लिए, सो गर्मी के मौसम में मिलते हैं आम, कौन सा किस मौसम में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में मिलते हैं, तो आम किस मौसम में मिलते हैं बच्चों, गर्मी के मौसम में मिलते हैं, सो आम गर्मी के मौसम में मिलते हैं और बहुत मीठा होता है, मुझे आम बहुत पसंद है क्योंकि हिंदुचेतनेंटे आम बहुत मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है,
खाने के लिए भी अच्छा रहता है, चटनी भी अच्छा होता है, ऐसा हम भी लिख सकते हैं। तो कौन सा पसंद है आपको, बुक में दिए हैं देखकर आप भी पढ़कर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट पढ़ो भी, पढ़ो भी में आप जस्ट हाउ टू रीड में चलवा गीत में, एक गीत में कविता में आपको आ मात्रा वाला शब्द, आ मात्रा वाला शब्द क्या है देखो, आ मात्रा वाला शब्द पर क्या करना है, सर्किल गोला लगाइए, सर्किल सर्किल माने तो क्या है, सर्किल सर्किल गोला माने तो क्या है, सर्किल राउंड, यू शुड कीप सर्किल विथ पेंसिल, पेंसिल लेके सर्किल करना है। आ मात्रा वाला, आ मात्रा वाला क्या है, आम, ओके आम है, नाम, आम को सर्किल करना, आम जल्दी एवरीबॉडी सी आम, आ की मात्रा, आ की मात्रा ओके ना, आ की मात्रा आम, नाम नाम आ की मात्रा, नाम है भी आ आ ओके नाम, इसका ये पूरा क्या है, आ मात्रा वाले शब्दों पर क्या करना है, गोला लगाना, गोला मतलब सर्किल विथ पेंसिल, एवरीबॉडी शुड टेक पेंसिल एंड शुड सर्किल, पेंसिल से करना है, पेन से नहीं है, पेंसिल से, छोटे बच्चा आप पेंसिल से करें तो आपको थोड़ा राउंड भी है तो आपको रफ करके लिख सकते हैं, गलत है तो आप भी सही कर सकते हैं। सो आप क्या करना है, पेंसिल से लिखना है पूरा टेक्स्ट बुक, फिल इन द ब्लैंक्स पेंसिल से लिखना है, टेक्स्ट बुक को फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करना है, जो टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स आप आराम से करें तो आप भी पढ़ना आता है, लिखना भी आता है, फाइंड आउट करना भी आता है, ओके ना, समझ में आ गया बच्चों। तो क्या करना है, आ मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाना, सर्किल, अनार शब्द पर क्या करना है देख लीजिए आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 में, अनार शब्द, अनार शब्द है या ना, यह अनार है, यह अनार है, अनार माने तो क्या है, पोमोग्रेनेट, अनार माने तो क्या है, पोमोग्रेनेट है, अनार को सर्किल करना, यह गिवन सिंबल्स सेम सिंबल्स यू शुड पेंसिल टेक एंड सर्किल, ओके सो अनार शब्द पर क्या करना है, सर्किल गोला लगाइए, और आम शब्द पर क्या है, स्क्वेयर, आम शब्द पर स्क्वेयर, स्क्वेयर फोर साइड्स ऐसा फोर साइड ड्रा करना है, पेंसिल टेक एंड डू दिस वन, पेंसिल से करना है, पेंसिल से ही करना है, ओके ना, यह आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, क्या करना है, आम शब्द पर क्या करना है, स्क्वेयर, स्क्वेयर यू शुड टेक पेंसिल एंड डू दिस वन, एंड अनार के दाने लाल है, अनार के दाने कैसे होते हैं, लाल होते हैं, लाल मैंने मतलब रेड कलर है, अनार के दाने कैसे होते हैं, लाल होते हैं, लाल मतलब मैंने आपको रंगों के बारे में, रंगों के नाम के बारे में भी मैंने समझाया लास्ट क्लास में आपको, लाल रेड सफेद व्हाइट कलर, काला ब्लैक कलर, नीला ब्लू कलर, ओके केसरी, ओके केसरी कलर है, नारंगी और ऐसा बुरा क्या ना, बैंगनी कलर्स का, रंगों का नाम भी आपकी बार बार पढ़े तो याद रहेगा। सो अनार के दाने कैसे होते हैं, लाल, सो अनार के पर क्या शब्द पर क्या करना है, सर्किल करना है, अनार शब्द पर सर्किल करना, आम शब्द पर स्क्वेयर, ओके ना, पेंसिल से करना है, सब आप अपने टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में ही है, कंप्लीट कंप्लीट दिस पेज कंप्लीट करना है, ओके ना, आपको रिकॉर्डिंग क्लास देख के क्या करना है, तो सर्किल करना है, स्क्वेयर करना है। सो मैंने दिए गए होमवर्क सब बच्चों आप अपने होमवर्क बुक में लिख के भेजना है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर नॉट डूइंग होमवर्क प्रॉपरली, प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं आपका होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे आपको, सो आप बच्चों आप अपने बारे में करना है, अपने बारे में पढ़ना है, सो पेरेंट्स के बारे में सोच के आप पढ़ना है, मेरे मी गुरी चलवा होमवर्क इज तो होमवर्क एवरीबडी शुड डू कंप्लीट होमवर्क एंड सेंड इट Send to subject teacher. So not doing homework properly. So listen everybody. Everybody should do your homeworks. Okay. Take rough book or homework book. Homework book or rough book में लिख के भेजना है आपका काम है. Okay ना ना. बच्चों आप homework करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए. Homework है. आज का homework सब बच्चों करने के लिए try करो. So 40, 60, 80 numbers दे रहे. 80 numbers भी complete करके भेजना. ओके ना ना होमवर्क अटेंडेंस भी ले रहे आपको, सो आप फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर में आपको पूछते हैं आपको होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे सर प्रिंसिपल सर, ओके ध्यान दीजिए बच्चों, आप होमवर्क दिए गए तो होमवर्क कंपलसरी आज का होमवर्क आज ही भेजना है।
सुबह से शाम तक भेजने के लिए ट्राई करो। तो जो भी होमवर्क दिए गए तो आप पढ़ कर लिखे तो याद रहेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ ओकेना ना। अंदर कंप्लीट चेसी होमवर्क पंपन चिंती टाइम लो, अंदर कोड़ा होमवर्क चेंडे, होमवर्क चेस्टे मन रीडिंग वस्तुंदी राइटिंग वस्तुंदी अला काकुंडा रेप एग्जाम बी प्रिपेयर्ड अंटे तैयार अंटे एप्पुडैना एग्जाम पेड़ते मन रेडीगा उंडोच्चु, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव अवुतायि राइटिंग स्किल्स इंप्रूव अवुतायि। सो अभी हिंदी पढ़ने के लिए लिखने के लिए पढ़ना आना है, जरूर लिखना आना है, लिखे तो हैंड राइटिंग भी सुधार बन जाता है, आपको पढ़ना भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। सो बच्चों ध्यान दीजिए होमवर्क के बारे में, ओके। नेक्स्ट आपको चित्र देखिए, नेक्स्ट बिट आ बिट हो गया, आ बिट हो गया, ई बिट चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, सी एन टेक्स्ट बुक से पढ़िए, चित्र देखिए, शब्द पढ़िए। शब्द मीन्स वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बन सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में मैंने समझाया आपको, दो या दो से अधिक अक्षरों मेल से बनी हुई ध्वनि को शब्द कहते हैं। अंटे ఒక అక్షరంతో వర్డ్ మనకి కంప్లీట్గా ఫామ్ అవ్వదు, టూ టూ లెటర్స్ కానీ, టూ లెటర్స్ కానీ, ఎక్కువ లెటర్స్ కానీ, ఆ లెటర్స్తో మనకి ఆ వర్డ్ మనకి ఫామ్ అవుతుంది. దోయా దోసే అధిక అక్షరం మేల్సే బనీ హీ ధ్వనికో శబ్ద కహతే హే. ఉదాహరణకు ఉదాహరణ ఆపో అనార్ హై, తీన్ అక్షర్ హై, ఆ నా, నా కైసే బన్ జాతా హై, నా ఆ కీ మాత్ర జోడ్నే సే నా బన్ జాతా హై. రా అనార్, ఆమ్ दो अक्षर, तीन अक्षर, दो या दो से अधिक अक्षरों मेल से बनी हुई ध्वनि को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, आप भी शब्द पढ़ना आना है, अक्षर पहचाना आना है, अक्षर को मात्राएं जोड़कर उच्चारण करना आना है, ये पूरा आए तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा, हिंदी भी पढ़ना लिखना आ जाएगा, आपको एग्जाम में अच्छा अंक आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर सिक्स, आपको वर्णमाला दिया गया, वर्णमाला सब सब बच्चों को पहले आपको वर्णमाला आना है, वर्णमाला आने के बाद वर्ण वर्णमाला पढ़ना, हरेक वर्ण पढ़ना आना है, हरेक वर्ण। सो पढ़ने के बाद आपको आराम से पढ़ना आ जाएगा, रीडिंग भी आ जाएगा, रीडिंग आसान हो जाएगा, ओके ना ना। सो वर्णमाला में आपको दिया गया, आपको वर्णमा हरेक वर्णमाला पाठ देखो, आप अच्छा से पढ़कर आप बार बार अपना ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए। छोटे बच्चे से फोर्थ टू फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लिख रहे हैं, लेकिन फिर और एक बार और प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहेगा। आपको लिखने के समय मिस्टेक्स नहीं आ रही, और पढ़ने के समय भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लिखने के समय भी लिखो बोले तो डिक्टेशन बोले तो आप भी लिखने के लिए तैयार होना है, ओके ना। सभी को समझ में आ गया बच्चों, वर्णमाला चार्ट फिर आओ तो आप अपने रूप में क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सो आपको देखो वर्ण बोलिए, नेक्स्ट बिट वर्ण बोलिए, वर्ण माने तो क्या है, अक्षर, लेटर, वर्ण माने तो क्या है, लेटर, अक्षर हूँ। वर्ण बोलिए और संख्याओं के अनुसार, संख्याओं के अनुसार जोड़कर शब्द बनाइए। सो संख्याओं में हर एक लेटर को नीचे आपको सर्किल में नंबर दिए गए हैं, नंबर के अनुसार हम क्या करना है, वर्ण तीन कौन सा है फाइंड आउट करने के लिए दिया आपको, फाइंड आउट करने के लिए वर्ण तीन कौन सा है, रा, और वर्ण पांच कौन सा है, मा। बच्चों सुन रहे हैं ना सब, सो वर्ण वन कौन सा है, आ, आ, ओके ना ना। सो फाइंड आउट करना आ रहा है ना आपको, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ओके। नेक्स्ट वर्ण टू कामा फाइव कौन सा है, पढ़ो पढ़कर लिखो, आप वर्ण टू क्या है, नाम, वर्ण फाइव क्या है, माँ, नाम, नाम माने तो नेम, ओके ना ना। समझ में आ गया बच्चों, ऐसा वर्ण दोनों मिलकर पढ़ना है, पढ़ने की ट्राई करें तो आसान बन जाएगा रीडिंग भी, ओके ना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आपको छोटे छोटे अक्षर को मिलाकर पढ़ने के लिए ट्राई करना है। नेक्स्ट फोर टू, नेक्स्ट फोर टू, फोर टू आ, टू क्या है, ना, आना, टू कम, आना, जाना, आना का विलोम शब्द क्या है, जाना, ओके ना। सभी को समझ में आ गया बच्चों, वर्ण फाइव टू कौन से है, इन्हें मिलाकर पढ़ो, वर्ण फाइव क्या है, मा, टू क्या है, ना, मना, मना मतलब, मना मतलब क्या है, मत। सो फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना, तू फूल तोड़ना मना है, अंटे चेयो दू, डोंट डू, ओके ना। सो सभी को समझ में आ गया बच्चों, ये पेज में
आपको वर्ण बोलिए, वर्ण संख्याओं के अनुसार वर्ण के नीचे गोला में क्या है संख्या दिया गया, नंबर दिया गया है, नंबर के अनुसार वर्ण पहचानना है, आइडेंटिफाई करना आना है, तो दो वर्ण मिलाकर पढ़ना भी आना है, आए तो शब्द पढ़ना आ जाएगा और पढ़ना भी आसान बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया बच्चों, लिखो लिखो आपको राइट मात्रा जोड़ी है, मात्रा ही माने तो मैंने समझा आपको आ की मात्रा, आ की मात्रा, सो मात्रा के सिंबल रहेगा, वो सिंबल्स के, सो एक लेटर दिया गया है, लेटर के क्या क्या है मात्रा ये जोड़ कर लिखना है, मात्रा जोड़ कर मतलब ना को आ मात्रा जोड़ने से क्या बन जाता है ना बन जाता है, माँ के आ मात्रा जोड़ने से माँ बन जाता है, रा के आ मात्रा जोड़ने से रा बन जाता है। तो समझ में आ गया बच्चों, मात्रा ये जोड़कर अक्षर लिखना है, ये बॉक्स में पेंसिल से लिखना है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने टेक्स्ट बुक में क्या करना है पेंसिल से लिखना है, ये स्लोली लिखना है, धीरे धीरे से लिखो, अक्षर एक ही साइज सेम साइज इक्वल साइज लिखना है, और लिखने के समय भी मन में पढ़कर लिखना है, मन में पढ़कर लिखे तो याद रहेगा, रीडिंग भी आ जाएगा, लिखना भी इम्प्रूवमेंट आप सुधार कर सकते हैं, लिखना भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया बच्चों, अब सिक्स पेज में क्या मैंने समझाया, नेक्स्ट पेज में आपको शब्द पढ़िए और लिखिए, शब्द पढ़िए और लिखिए, शब्द यू हैव टू रीड, रीड दैट वर्ड एंड राइट दैट वन, व्हाट आर इट मे बी यू हैव टू सी एवरीबॉडी सी दैट वर्ड, व्हाट आर फर्स्ट वर्ड यू हैव टू रीड, शब्द पढ़िए और लिखिए एंड राइट दैट वन, सेम एज इज आपको लाइन के नीचे लिखना है, दो लाइन के अंदर आना है, दो लाइन के अंदर बाहर नहीं आना, सो दो लाइन के देखो आप देखिए अनार, देखिए आपको अच्छा से देखिए अनार, अनार लाइन के नीचे आना है, सो एज की सेम लेटर एक ही साइज सेम लेटर सेम ऐसी सेम साइज है, से एक बड़ा है एक छोटा लिखे तो बाहर आ जाए, ओके, जो आपको लाइन के नीचे लिखे तो हिंदी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, हिंदी का हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप ब्रॉडव्यू में बार बार प्रैक्टिस करना, लाइन के नीचे लिखे तो वर्ड को थोड़ा गैप देना है, सेंटेंस को थोड़ा लाइन लीव करके लिखे तो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ओके ना, अनार 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 ऐसा पढ़ के लिखना है, तीन बार देंगे अनार अनार अनार, ओके, नाम नाम नाम, मामा मामा मामा, ऐसा पढ़ के लिखे तो आपको याद रहेगा और रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट आता है, ओके ना, खालिस्तान भरिए फिल इन द ब्लैंक, खालिस्तान भरिए फिल इन द ब्लैंक, लड़का क्या है आम, लड़का आम कहता है, आम लिखो लाइन के नीचे आम, ये बुक में है ना आपको देख के लिख सकते हैं, आम आम लड़का आम कहता है, ओके ना, डैश के दाने लाल लाल है, डैश के दाने मैंने पहले पेज में आपको मैंने फर्स्ट पेज में मैंने समझा, अनार के दाने लाल होते हैं, अनार के दाने, अनार लिखो लाइन के नीचे क्या लिखना है अनार, पेंसिल से लिखना है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स आप पूरा आप बच्चों 60 क्लास आप टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स पूरा आप पेंसिल से लिखना है, सो अपने मनपसंद का फल चित्र बनाइए, नाम लिखिए, योर फेवरेट फ्रूट, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, हैव टू ड्रा एंड कलर इट, सो रंग भरिए, सो चित्र बनाइए और रंग भरिए, चित्र खींच के क्या करना है रंग भरना, सपोज मैंगो पीले कलर है तो येल्लो कलर, ओके ना, अनार रेड कलर ऐसा, सो रंगों भर के आपको नीचे क्या करना है नाम लिखना है, सपोज मैंगो है आम, अनार लिखना है, ओके ना, अंगूर लिखना है, अंगूर का पिक्चर ड्रा करके अंगूर लिखना है, सभी को समझ में आ गया बच्चों, सो मैंने आपको लेसन के बारे में इससे लास्ट क्लास में मैंने समझा आपको, बाल गीत की तरह अभिनय करके, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, ओके ना, अनार है या आम, दिखने में ये पीले पीले, नाम इसका आम है, मैंने आपको
लास्ट क्लास में समझाया आपको गीत की तरह अभिनय करके, अभिनय मतलब एक्टिंग, ओके ना, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकर ऐसा, सो ऐसे एक्टिंग करके भी गीत की तरह गा सकते हैं, गा सकती हूँ लड़की को, सकती हूँ गा सकती हूँ, वॉयस गा सकता हूँ, हाँ टिक मार्क। सो मा ना मा रा हा आ वर्ण पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई चेंज कर, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ बॉयज, लिख सकती हूँ गर्ल्स, इज इट क्लियर, ओके अंडरस्टैंड, समझ में आ गया बच्चों, सो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ, सो लिख सकता हूँ, यस टिक मार्क, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोले तो टिक, नहीं बोले तो इंक मार्क, ओके ना। सो मैं इन वर्णों से शब्द बिना देख के लिख सकता हूँ, सपोज नाम, ओके ऐसा, मना आम, ऐसा वर्ड्स लिख सकते हैं ना बिना देख के, विदाउट सीइंग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके राइट टिक मार्क। नेक्स्ट संकेतों का आधार पर चित्र, सपोज चित्र है देखने पर ओम, संकेतों का आधार पर ऐसा वर्ण आप चित्र बनाकर उसके बारे में बता सकते हो, सपोज चित्र के बारे में बोलो आम, मुझे आम पसंद है, आम गर्मी के मौसम में मिलते हैं, ओके आम कच्चे पके दो प्रकार के होते हैं, आम कई प्रकार के होते हैं, रसा मालपुआ पनीर पर तोता पूरे ऐसा बोल सकते हैं ना, संकेतों के आधार पर बोल सकते हैं, यस टिक मार्क। एवरीबॉडी फर्स्ट लेसन खत्म हो गया, आप अपने टेक्स्ट बुक, कल का होमवर्क क्या है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, कल का होमवर्क क्या है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना, कंप्लीट टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स, आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करके नहीं भेजना है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है, समझ में आ गया बच्चों, धन्यवाद सभी को।